क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर थ्री मैट्रिसेस मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसके ताल्लुक से। मैट्रिसेस एक ही जगह नहीं, चाहे आप किसी भी साइंस में चले जाएं वहां पर आपको मैट्रिसेस जरूर मिलेगी। या आप जनरल लाइफ में भी देखिए, आपको चीजें अगर आप टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आती है, यानी रो और कॉलम्स में। लेकिन ये रो और कॉलम को अगर हम मैथमेटिकली इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि हम इससे सोल्यूशन ला पाए, चाहे आपकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हो, चाहे आप यहां पर रिप्रेजेंट करें लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को और फिर उसको सॉल्व करें, तो मैट्रिक नोटेशन और ऑपरेशन, खासतौर पर जो आप ये टेबुलर फॉर्म देख रहे हैं, उससे बड़ा रिलेट करता है। और आप बजटिंग देखें, सेल्स प्रोजेक्शन देखें, कॉस्ट एस्टिमेशन देखें, या किसी रिजल्ट के एनालिसिस देखें, एक्सपेरिमेंट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है जो आपके सामने मैट्रिसेस बनेगी। मैट्रिसेस बना है मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स जो है वो आपका रोज और कॉलम ही है। अब आगे के और साइंस देखें जो आज जिसपे लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी वगैरह, चाहे आप और भी साइंस ले लीजिए, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया, जेनेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को मैट्रिक्स के फंडामेंटल से रूबरू करें और साथ में मैट्रिक्स एल्जेब्रा के बारे में भी जानकारी लें। मैट्रिक्स क्या है? मान लें कि राधा जी हैं, उनके पास 15 नोटबुक है। अब कैसे करेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं, राधा हैज 15 नोटबुक्स और उनके पास 6 पेन भी है। कैसे रखेंगे? राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। ठीक, अब फौजिया भी आ गई, उनके बारे में भी लिखना है। फौजिया के पास 10 नोटबुक है, 2 पेन है। सिमरन भी आ गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास 13 नोटबुक है, 5 पेन है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फौजिया हैज 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। क्यों नहीं लिख सकते, एकदम रनिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। किसी ने कहा कि ऐसा करें, इसको जरा टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो राधा के साथ ये नाम लिख दिए इन्होंने, राधा, फौजिया और सिमरन, नोटबुक्स यहां लिख दिए और पेन्स यहां लिख दिए। अब इससे क्लियर पता चल रहा है कि फौजिया के पास कितने पेन है, राधा के पास कितनी नोटबुक है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां पर हम इसको मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये आपकी पहली रो हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, और ये केवल एक एग्जाम्पल है। राधा के पास 15 नोटबुक है, 6 पेन है और 3 पेंसिल है, तो एक कॉलम और जोड़ दीजिए, इसमें एक कॉलम और जुड़ जाएगा, 3। मान लीजिए इनके पास 7 है, इनके पास 2 है, 3 7 2 3 7 2, ये हो गया। अब मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम भी जोड़ दिया हमने। अब यहां पर आ गई राधा, फौजिया, सिमरन। अब पूजा ने कहा मुझे भी आप इंक्लूड करिए, तो पूजा जी का भी आप यहां पर इंसर्ट कर लीजिए। मान लीजिए पूजा जी के पास 2 नोटबुक है और 6 पेन है और 18 इनके पास पेंसिल है, तो 4 रो हो गई, 3 कॉलम हमने बना दिए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ेंगे घटेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के हिसाब से है, जैसे आएगा वैसे लिखेंगे, इसका कोई प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है। लेकिन हम इनको नाम देंगे, जिसमें हमको 3x3 मिलेगा उसको हम नाम देंगे, जिसमें 2x3 मिलेगा उसमें हम नाम देंगे। तो कॉलम और रो के बारे में समझ गए आप, ये टेबल है, सिंपल टेबल है। तो एक और तरीका हो सकता है, किसी ने कहा कि तरीका ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि राधा, फौजिया और सिमरन का यहां नाम लिखिए और नोटबुक और पेन्स को यहां दे दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि यहां पर भी नोटबुक फौजिया के पास कितनी है, 10, ऐसे पता चल रहा है। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए और उसको एक्सप्रेस करिए एक मैट्रिक्स फॉर्म में। ये भी बात सही है, यहां पर आपके 2 रो हो गए और यहां पर 3 कॉलम हो गए, 2 रोज नोटबुक और पेन के हैं। अगर के नोटबुक और पेन ही है तो यही 2 रहेंगी और यहां पर बंदे बढ़ते जाएंगे और चीजें यहां पर जुड़ती चली जाएंगी। बंदे अगर आपको बढ़ाने हैं तो यहां बढ़ेंगे, लेकिन आप कहते हैं कोई एक स्टफ भी बढ़ा दीजिए, पेंसिल कर दीजिए, तो यहां भी जुड़ जाएंगे। ऐसे ये एक फॉर्मेशन बनेगा, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का, आपके स्कूल का, कॉलेज का एक एग्जाम्पल। अब जो पहला अरेंजमेंट आपने देखा,
इसमें कुछ इस तरीके से था कि जिसमें राधा फौजी और सिमरन बाएं हाथ पे थी, यानी राधा फौजी और सिमरन आपके रोज बना रही थी, रोज थे, ये रिप्रेजेंट कर रही थी रोज को। अगर आप दूसरे को देखें तो उसमें राधा फौजिया और सिमरन आपके कॉलम्स बना रही थी, यानी इनके नाम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस अरेंजमेंट को या इस डिस्प्ले को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक से ज्यादा चीज क्या होती है, बॉय क्या बॉयज हो जाता है, तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिसेस हो जाता है, जो अभी हम देखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे, इसको अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। एक मैट्रिक्स ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, ये फंक्शन है, जरूरी नहीं आप एन हो, यहां पर एक फंक्शन है कि अगर एक्स ये होगा तो ये होगा। तो नंबर हो या फंक्शन हो, इसका एक ऑर्डर्ड, ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर मतलब ये इतने रो है तो एक के बाद एक आध नंबर आ रहा है, सब ऑर्डर में है, कुछ आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, ऑर्डर होगा। एरे है क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं, एरे में क्या होता है, कंटिग्यूस मेमोरी होती है, एक के बाद एक चीजें आती हैं, और फंक्शंस हो सकते हैं इसमें। तो जो नंबर है या फंक्शन है इसे हम कहेंगे एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सारी एंट्रीज जो होंगी उसे हम कहेंगे कि ये एलिमेंट है। मैट्रिसेस को अब हम एक से ज्यादा की बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम मैट्रिसेस को बोलेंगे कैपिटल लेटर में, हम कहेंगे कि ये कैपिटल लेटर में है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हमने पहले डिस्कस किया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हुआ, रोज। इसकी रो क्या हुई, ये हुई। इसकी रो क्या हुई, ये हुई। और कॉलम्स क्या हुए, ये यानी कि ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ, इसके लिए ये कॉलम, इसके लिए ये कॉलम, इसके लिए ये कॉलम। तो ए के पास कितने रोज है, एक दो तीन, कॉलम्स कितने, दो। तो तीन कॉलम, तीन रो है, दो कॉलम है, 3/2 मैट्रिक्स हुई है। इसके पास कितने रोज है, तीन रो है। इसके पास कितने कॉलम्स है, तीन कॉलम्स है, 3/3। इसके पास कितने रो है, दो रोज है, तीन कॉलम्स है, 2/3। ये ऑर्डर होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर यह होता है कि अगर उसमें एम रोज हो, इनको अगर गिने, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनों को गिने, तो रोज होती हैं, अगर इसमें एम रोज है, और अगर आप कॉलम को गिने, ये कॉलम्स है, एन कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम बाय एन। इसको हम लिखते हैं एम क्रॉस एन, एम इंटू एन। इसको हम बोलते कैसे हैं, एम बाय एन, जब शब्दों में बोलेंगे, जब हम इस पर डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, तो बोलेंगे एम बाय एन मैट्रिक्स है। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो कोई भी मैट्रिक्स है, 3/2 यानी तीन रो दो कॉलम है, बी मैट्रिक्स 3/3 यानी कि तीन रो तीन कॉलम है, यहां पर सी मैट्रिक्स के दो रोज और तीन कॉलम है। तो इससे हमें क्लियर पता चलता है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं। 3/2 कितना हुआ, 6 एलिमेंट। 3/3 कितना हुआ, 9 एलिमेंट। 2/3 कितना हुआ, 6 एलिमेंट। इससे पता चल गया कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर जनरल फॉर्म में लिखें एम बाय एन मैट्रिक्स को, जिसमें एम रोज है, यहां से यहां तक एम है, अगर आप गिनने लगे तो एम आएंगे, और एन आपके कॉलम्स हो गए, तो एम बाय एन मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसे लिखेंगे कैसे, देखिए एम बाय एन को हमने मैट्रिक्स, मतलब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, अंदर एलिमेंट्स है और इनको घेरा, एक तरीके से घेरा इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, एम इंटू एन लिखा, क्योंकि ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एम रोज है, एन कॉलम है। हमने कहा कि कैपिटल ए हम नाम देंगे जब भी मैट्रिक्स का, तो हम कैपिटल शब्द यूज करेंगे या कैपिटल लेटर यूज करेंगे, वो हम जारी रखते हैं, हमने इसको कैपिटल लेटर में दिया। इसके अलावा हमने हर एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन निकाला कि हमको ए 2/3 निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इसको ए आई जे, जिसमें आई होगा रो, जे होगा कॉलम। देखिए 2/3 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, आप कोई और भी उठा लीजिए, 2n, 2n का मतलब सेकंड रो nth कॉलम, अगर n इसमें कॉलम है तो i किसके बीच में है, यहां पर i क्योंकि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो कितने हैं, 1, 2m, तो i है 1 और m के बीच में। इसी तरीके से j पे आइए, j अगर आप देखें वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम जो है 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, तो j है 1 से n, और i और j नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को, n, कैपिटल n। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसको a 0 0 क्यों नहीं लेते,
अगर जीरो जीरो लेंगे तो हमारा ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर मतलब वन से शुरू होता है, वन टू थ्री जो हम नेचुरली गिनते हैं। तो जो आयत रो है अगर आप देखें तो उसमें ए आई वन टू थ्री ऐसे चल रहा है, क्यों? क्योंकि आई रो है, आई रो है तो कॉलम तो वन से लेकर एन तक है। देखिए ये वन है, ये टू है, यहां तक एन तक। दूसरा वार्ड पार्ट बता रहा हूं, दूसरा वाला चीज देखिएगा क्योंकि आप आई तो सब में कॉमन है। ऐसी जेथ कॉलम की बात करें तो उसमें एलिमेंट है ए आई जे, ए टू जे, ए थ्री, ए वन जे, ए टू जे, ए थ्री जे, ए एम जे, इसे जे सब है लेकिन वन टू थ्री ये वेरी कर रहा है, कौन सा आपके वन टू थ्री कॉलम नंबर है। तो जनरल अगर देखा जाए, इन जनरल ए आई जे का मतलब होता है ए एलिमेंट जो आई और जे के कॉलम के इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं आई और जेथ, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। तो जितने नंबर है, नंबर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस एम बाय एन मैट्रिक्स में, वो हम कैसे निकालते हैं? हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एम इंटू एन कर दीजिए, ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बता देता है। आप देखिए कोई भी टेबल के बारे में देख लीजिए, जितने रोज और जितने कॉलम्स है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इस डिस्कशन में हमारा नोटेशन इस तरीके से रहता है कि हम कैपिटल ए या कैपिटल, इस कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं, और हमको पूरा का पूरा मैट्रिक्स एक ही लाइन में। अब ये मैट्रिक्स को देखिएगा, इसको हम जब हम इसका कुछ प्रूफ कर रहे होंगे या इसके बारे में कुछ फॉर्मूला दिखा रहे होंगे तो हम इतना बड़ा कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे, लिखना मुनासिब भी नहीं है जब हम प्रूविंग कर रहे होंगे। तो उस समय हम इस बड़े सी चीज को छोटे में तब्दील करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास एक ए है जो हम ए आई जे लिखते हैं, और हम कहेंगे ये एम इंटू एन है, एम इंटू एन मैट्रिक्स हो गया जिसमें हर एक एलिमेंट ए आई जे, ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट इस ए मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर एम बाय एन है। तो अभी फिलहाल हम उन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें रियल नंबर्स हैं, बाकी और भी चीजें हम और डिस्कस करेंगे जिसमें हम फंक्शंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई, मैंने जैसे बताया मैट्रिक्स अथा सागर है, क्योंकि एक टेबल में तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम पॉइंट भी रख दें किसी भी प्लेन में। अगर मैं ये प्लेन बनाऊं, कोई एक एक्स वाई पॉइंट है, तो कोई एक्स वाई पॉइंट होगा, ये एक्स वन वाई वन होगा, ये एक्स टू वाई टू होगा, ये एक्स थ्री वाई थ्री होगा, ये एक्स फाइव वाई फाइव होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे? हम x और y इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए ये 2 कॉमा 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो 2 यहां लिख सकते हैं, 2 3 यहां लिख सकते हैं। किसी ने कहा नहीं साहब हम इस तरीके से लिखेंगे, हम यहां x लिखेंगे या y लिखेंगे, दोनों तरीके ही सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो चीज आपको मुनासिब लगे, जो आपको सही लगे वैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। टेबल है, टेबल आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे वैसे लिखें। तो अगर पॉइंट 01 लिखना है तो 01 इस तरीके से लिख सकते हैं, 01 इस तरीके भी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्टिसेस यानी कि कोने किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर के एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल की बात बताता हूं, ए बी सी डी इसमें वर्टिसेस है जहां पर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर जो जो इसके आर्म्स है इस क्वाड्रिलेटरल के वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे ए बी सी डी, ये नंबर है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एबीसीडी को, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे होगा ये? दो तरीके हैं, ये श्याम का है, ये राम का है। श्याम ने कहा कि हम इसको जो हमारे पास आपने कोऑर्डिनेट उपलब्ध कराए हैं 10 3 2 1 3 1 -1 2, मैं 10 को कुछ इस प्रकार लिखूंगा। उन्होंने कहा मैं 1 यहां लिखूंगा, 0 यहां लिखूंगा, यानी कि सारे एक्स कोऑर्डिनेट यहां लिखूंगा, सारे वाई कोऑर्डिनेट यहां लिखूंगा। श्याम ने कहा, राम ने कहा ऐसा करता हूं कि मैं कुछ इस तरीके से करता हूं कि इसको जो रो और कॉलम आपने बनाए हैं उसको मैं तब्दील कर देता हूं, मैं 10 इस तरीके से लिखूंगा। दोनों ही सही है, दोनों ही बेहतर है, बस यहां पर इस जब इसका कंपटीशन होगा, जब आगे इस पर कार्य हम करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये दो रो है चार कॉलम है तो 2x4 मैट्रिक्स है, यहां पर हमारे पास चार रोज है दो कॉलम है तो 4x2 मैट्रिक्स है। ओके, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी, हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम शुरुआत के। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है महिलाओं और पुरुषों की, इसमें तीन फैक्ट्रीज है, 1 2 3 1 2 3, जो मेन वर्कर है पुरुष है और जो महिलाएं वो कुछ इस तरीके से दी है। इसको 3x2 मैट्रिक्स में रखिए, आपको 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो बस
इस तरीके से बना दीजिए, ये आपका रो कॉलम हो गया, तीन रो है इसमें, दो कॉलम है इसमें। अच्छा एक और सवाल है इसमें, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, जो तीसरी रो है और जो सेकंड कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। जो जो इंफॉर्मेशन है 3/2 में वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे आप, जो एंट्री है थर्ड रो सेकंड कॉलम की वो उस महिला के बारे में बताती है जो तीसरी फैक्ट्री में, फैक्ट्री नंबर 3 में काम करती है। यदि मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हो तो आपके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 8 यानी 8 इज इक्वल टू एम इंटू एन, एम इंटू एन मतलब ये है कि रोज और कॉलम, तो 4 × 2 भी हो सकता है 8, 2 × 4 भी हो सकता है, 8 × 1 भी तो हो सकता है और 1 × 8 भी हो सकता है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो यदि मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन है तो जानिएगा उसके एलिमेंट m इंटू एन है, इस सवाल में ये m इंटू एन एलिमेंट दिए गए हैं। तो यदि हमको जितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो निकालने हैं तो जो क्या हो सकता है, 1/8, एक रो हो और 8 कॉलम हो, 8 रो हो 1 कॉलम हो, 4 रो हो 2 कॉलम हो, 2 रो हो 4 कॉलम है, तो पॉसिबल ऑर्डर इस तरीके से लिखेंगे 1 × 8, 8 × 1, 4 × 2 और 2 × 4। एक 3/2 मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसके एलिमेंट इस तरीके से दिए, तो आपको करना क्या है इसमें 3/2 करना है और आपको A11, देखिए मैं एक करके बताता हूं आपको, A11 कैसे करेंगे, हाफ लिखिए आई और ये आई है जे है, ये आई है ये जे है, तो आप करेंगे 1 - i की जगह 1 रख दिया, 3 × 1, 3 × 1 कितना हो गया, ये हाफ, ये है 1 - 3 कितना आया, -2, और ये क्योंकि मॉड है तो -2 का 2 हो जाएगा और ये हाफ बाहर है ही हो जाएगा 1। ऐसी A11, A21 करेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे या 1 रखेंगे, ऐसे करके सारे एलिमेंट हम निकाल लेंगे। हमको क्या करना है, और 3/2 मैट्रिक्स है तो 3 रो होनी चाहिए इसमें और 2 कॉलम होनी चाहिए, तो 3 इसका मतलब ये A11 होगा, ये A12, A21, A22, A31, A32। देखिए इसमें 1-1 इसलिए है दोनों में क्योंकि रो हमारी पहली है और यहाँ पर हमारे पास 1-1, यहाँ बाद में 1-1 है क्योंकि कॉलम 1-1 है, तो हम इसमें वैल्यू डालते रहेंगे, अभी मैंने जो आपको सिखाया वैसे बाकी सब डाल देंगे A12 की जगह। चलिए A21 का बताता हूँ आपको, 2 i की जगह डालेंगे, 1 j की जगह डालेंगे, हाफ है, 2 - 3 होता है -1 और क्योंकि -1 जो होता है आपका 2 - 3 × 1, तो 2 - 3 आपका होता है -1 और क्योंकि मॉड है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो 1 बाहर आएगा, हाफ आएगा, ऐसी बाकी लिख के आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये तरीका है इसका। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप्स होते हैं, पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें केवल एक कॉलम होगी, एक मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स तब कहते हैं उसको, तब ये संज्ञा देते हैं इस नाम का, जब उसमें केवल एक और एक ही कॉलम होती है जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। अगर हम जो भी यहां लिखे m इंटू n में n अगर 1 हो तो ये कॉलम मैट्रिक्स, अगर m 1 हो जाए बाकी कुछ यहां कुछ भी होता रहे तो ये आपका रो मैट्रिक्स। तो अगर हम यहां पर m इंटू 1 करेंगे, यानी 1 आपके पास केवल केवल कॉलम एक है, बाकी कितने भी रो हो सकते हैं m इंटू n फॉर्म का, m इंटू 1 फॉर्म का, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब इसमें केवल एक रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यानी कि m इंटू n में ये जो रो है ये 1 रहेगी, 1 × n जो है वो आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि bij एक मैट्रिक्स लिखिए, bij 1 × n, हमेशा रो 1 रहेगी बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n होता है, जब m और n बराबर हो, जैसे 2/2, जैसे 3/3, जैसे 5/5, 9/9, 20/20, कितना भी नंबर ले लीजिए आप, जब m इंटू n में m और n बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होना चाहिए, जैसे आप ये देखिए इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। ध्यान रखिएगा हमेशा जो मैट्रिक्स होती है m इंटू m फॉर्म में, n इंटू n, k इंटू k फॉर्म में, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसका ऑर्डर क्योंकि m इंटू m मैट्रिक्स है तो ऑर्डर m होता है। तो यदि कोई अब ये कैपिटल हमने दिया नाम है aij, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जितनी भी एलिमेंट इसमें इसमें एंट्री होगी वो कैसी जाएगी, इसमें A11 जिसमें 1-1 बराबर हो, मतलब जो एलिमेंट जिसमें i और j बराबर हो, A22, A33,
इनको हम कहते हैं डायगनल, दिस दीज आर डायगनल, ये भी एक डायगनल है, ये भी डायगनल है, लेकिन A11, A22, A33 ये प्रिंसिपल डायगनल है। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, इसमें डायगनल 146 है आपका। डायगनल मैट्रिक्स, तो डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल डायगनल एलिमेंट ही हो, बाकी सब जीरो हो, यानी कि A11 मतलब Aij जिसमें i और j बराबर हो, उसी में एलिमेंट हो, यानी कि A11, A22, A33, यही एलिमेंट है जिसमें आपके पास वैल्यू दिख रही है, बाकी सारे जीरो हो, बाकी सारे जीरो हैं। तो वो सारे जो जीरो होते हैं और जिसमें केवल डायगनल एलिमेंट वन वन कोई वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स, राइट। जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे होगा, यानी कि आई और जे बराबर नहीं है, वहां वो जीरो होना चाहिए। जहां आई और जे बराबर हो गया, A11, A22, A33, A44, AMN, AMM, वहां पर आपको कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि यदि जो डायगनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। अच्छा, डायगनल कब बनेगी? डायगनल तब बनेगी जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या कि m into m या n into n होगा। डायगनल तभी मिलेगी। आप बताइए कि मैं यहां पर अगर एक और बढ़ा दूं, 7 और 8 लिख देता हूं, क्या इसमें आपको डायगनल मिल पाएगी? मुश्किल है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगनल मिलती है, प्रॉपर डायगनल जिसे कहते हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो ये स्केलर मैट्रिक्स और ये जो अभी हमने पिछला देखा उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर हम देखें कि हमारे पास डायगनल जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बराबर है, यानी कि जो बी आई जे है, अगर आई जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, बाकी सब जीरो है, लेकिन बी आई जे के होगा, एक ही एलिमेंट होगा यदि आई और जे बराबर है, यानी A11, A22, A33 ये सारे बराबर है, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगनल एलिमेंट वन हो जाए वो सारे, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगनल वन हो, केवल वन और वन हो, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट हो वो जीरो हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई जे हर एक एलिमेंट जो होगा यदि वन होगा, कब? जब आई और जे बराबर होगा, यानी कि आप डायगनल की बात कर रहे हैं। अगर डायगनल की बात नहीं करें तो जीरो होगा। इस एलिमेंट, इसको उठा लीजिए, अच्छे से लिखते कैसे इसको, अगर एन ऑर्डर एन है तो आई एन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत जगह यूज होने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एन लिखते हैं अगर एन ऑर्डर है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन बाय एन, एम बाय एम की ही तो होगी। तो किस इस एग्जांपल में देखिए, ये भी एक आपका, क्योंकि ये वन बाय वन है, स्क्वायर है, 2 by 2, 3 by 3, इसमें ये सारे वन है, इसमें ये सारे वन है, ये ऑर्डर है, ये 1, 2, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। और इसमें ध्यान रखिए, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है जब के बराबर होगा वन। अगर रूट, जो पिछले वाले हमने एग्जाम्पल में देखा, अगर हम इसमें देखें कि रूट थ्री को हम वन 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 कर दें, तो वो आपका क्या हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर रूट थ्री बाहर ले, मतलब उस स्केलर में रूट थ्री बाहर ले लें, तो अपने आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है वो। तो हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स अपने आप होता है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो है और कुछ नहीं है, जीरो, चाहे वन ऑर्डर लें, टू ऑर्डर लें, थ्री ऑर्डर, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जितने एलिमेंट उसके जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, हम कहेंगे कि वो जीरो मैट्रिक्स है। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए को और बी को ए आई जे और बी आई जे से, यानी ये सारे एलिमेंट है, आई जे आपके एम इंटू एन मैट्रिक्स में, आई और जे तक, आई जे वहां तक जाएंगे, वन से लेकर एम और वन से लेकर एन तक। इसी तरीके से आपके पास ये बी मैट्रिक्स है, हम दोनों ने शॉर्ट फॉर्म लिखा दोनों को, और हमने कहा कि ये इक्वल है। ये इक्वल तब होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, यानी कि m into n अगर इसका है तो अगले का क्या होगा, यही होना चाहिए। और हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग, यानी A11 B11 के बराबर हो, A67 B67 के बराबर हो, कोई भी अगर आप एलिमेंट उठाएंगे इसका, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके बराबर होना चाहिए, यानी ए आई जे और बी आई जे आपका बराबर है। आप कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि 2, 2 के बराबर है, 3, 3 के बराबर है, 0, 0 के बराबर है, 1, 1 के बराबर है, और दोनों का ही ऑर्डर 2 by 2 है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, क्यों? 3 और 2 बराबर नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है।
तो दो मैट्रिसेस को हम सिंबॉलिकली अगर दिखाएं कि वो बराबर हैं तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। और अगर आप एग्जांपल देना चाहें ए इक्वल टू बी कैसे होगा, देखिए अगर आप कहें ये दोनों ए इक्वल है, इसका मतलब एक्स माइनस 1.5 होना चाहिए, जेड 2 होना चाहिए, बी 3 होना चाहिए, वाई 0, ए रूट 6 और सी 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए इस तरीके का और आपको ये कहा जाए कि ए बी सी एक्स वाई जेड निकालिए और ये दोनों इक्वल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x प्लस 3 को बराबर करना है 0 के, इसी तरीके से b माइनस 3 को बराबर करना है 2b प्लस b के, और आपको सारी वैल्यूज आएंगी, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको बराबर कर देना है क्योंकि वो दोनों इक्वल है। इस तरीके से आपको a b c d ये वैल्यूज निकालनी है यदि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन बनेगी इसमें 2a प्लस b हो जाएगा 4, a माइनस 2b हो जाएगा माइनस 3, 5c माइनस d हो जाएगा 11, 4c प्लस 3d हो जाएगा 24। अगर आप देखें जिनको बराबर करें तो a b c d वैल्यूज आप इसको सॉल्व करके ला सकते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस पे, दो तीन मैट्रिसेस पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। आप एडिशन कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं, आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस निकाल सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते कर सकते हैं मैट्रिसेस का। तो एडिशन का मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिसेस का क्या होगा, मान लीजिए फातिमा दो फैक्ट्रीज है, एक प्लेस ए पर है उनके पास और एक प्लेस बी पर है, और वो स्पोर्ट शूज बनाती हैं फैक्ट्रीज लड़के और लड़कियों के लिए, और उनकी कैटेगरी जिस तरीके से लेबल्ड है 1 2 3 1 2 3, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, फैक्ट्री है फैक्ट्री बी, और वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि दो मैट्रिसेस हो गए आपके पास। अब अगर फातिमा ये जानना चाहती है कि टोटल प्रोडक्शन हर एक स्पोर्ट्स शू का प्राइस कैटेगरी के हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से करना है तो क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, मैं इस पर दोबारा जाता हूं ताकि आप ये समझ सकें क्या हो रहा है। वो 80 को 90 से ऐड करेंगी तो आपके बॉयज का फर्स्ट कैटेगरी का सम आ जाएगा, इसी तरीके से गर्ल्स के फर्स्ट कैटेगरी का सम करना है तो 60 और 50 को ऐड कर देंगे, गर्ल्स के थर्ड कैटेगरी का ऐड करना है शूज का तो 85 और 75 को ऐड करेंगे, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, ऐड करना मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, यानी 80 को 90 से, इसी तरीके से बाकी जो मैंने बताया आपको 65 को 55 से, ये आपकी वैल्यूज आएगी। तो जो नई मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स होगी सम इन दोनों मैट्रिसेस का, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग मतलब एक जो यहां होगा वही दूसरा जो पहले की जगह पे होगा उनको ऐड करना है, और दूसरा ध्यान रखिए कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिसेस तभी जुड़ पाएंगी जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। अगर आपके पास ए और बी है और इसको आप जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इसमें दो रो है तीन कॉलम है, 2/3 है, ये कितना है, दो रो है और तीन कॉलम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रूट थ्री को 2 से जोड़िए, 1 को रूट 5 से जोड़िए, माइनस 1 को 1 से जोड़िए, 2 को माइनस 2 से जोड़िए, 3 को 3 से जोड़िए और 0 को हाफ से जोड़िए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए आप वैल्यू, केवल सिंपल एडिशन है। एक बार ध्यान रखिए कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के नहीं है तो ए प्लस बी नहीं बन पाएगा, ना ही ए माइनस बी बन पाएगा, हम ए माइनस बी भी देखने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन तभी होगा जब दोनों सेम ऑर्डर के हो, यानी कि आप ये देखिए यहां पर 2/2 मैट्रिक्स है, ये दो रो दो कॉलम, ये है दो रो और तीन कॉलम, इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। तो एडिशन जो मैट्रिसेस का है वो एक एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन का जो आप मैट्रिसेस के सेट पे लगा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक मैट्रिक्स है और स्केलर मतलब एक कोई नंबर है उससे आप इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक्स को, तो कैसे करेंगे, आप देखिए फातिमा का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने डबल कर दिया जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री ए का, जितनी भी इनके पास कैटेगरी थी और कैटेगरी 1 2 3 इनके पास है और उन्होंने डबल कर दिया, तो करना क्या पड़ेगा, अगर डबल है तो कैटेगरी 1 बॉयज के लिए 8 का 160 हो जाएगा, ट्वाइस कर दिया, 60 का 120 हो जाएगा, 2 का मतलब सेकंड कैटेगरी जो बॉयज का है 75 × 2 हो जाएगा या 65 × 2 हो जाएगा, ये 90 × 2 हो जाएगा, ये 85 × 2 हो जाएगा, हुआ क्या,
सबसे सब में आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दो क्या था, ये दो क्या था, ये एक स्केलर था जिसको आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, और इसे ही हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन स्केलर से, स्केलर वैल्यू से। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आएगा। हम ये देख पा रहे हैं कि सारे जो मेम्बरान हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन हमने दो से कर दिया। तो अगर हम कहें कि मल्टीप्लीकेशन किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर से होना है, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जी एम इंटू एन, इसका ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स है कि आपके पास स्केलर है, तो सीधा के इंटू ए का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो ए का होगा, ए आई जी, हर एक ए आई जी जो होगा वो इस के से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब के इंटू ए का मतलब होता है के, और इस ए आई जी के ए को हम ए आई जी एम एन लिख सकते हैं, इसको अंदर ले लीजिए, अंदर इसलिए क्योंकि हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होने वाला है इसे, यानी कि जो आई जे एलिमेंट है के ए का, वो के इंटू ए आई जे होगा, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी पॉसिबल वैल्यू आई और जे की मिलेगी आपको। अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसका 3A लेना है, तो हर एक मेंबरान को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 3 से, ऐसे सारे के सारे कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 3A। नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का? नेगेटिव का मतलब होता है माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या होगा? माइनस वन इंटू ए, यानी आप स्केलर वैल्यू माइनस वन को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है मैट्रिक्स का। तो अगर ये मैट्रिक्स आपके पास दी है, इसका माइनस करना है, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, आप क्या कर रहे हैं, इसका माइनस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, साइन चेंज हो जा रहा है, ये आपका नेगेटिव हो गया। इसका डिफरेंस, मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या होगा? अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है और उनके सेम ऑर्डर, ध्यान रखिएगा डिफरेंस में जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एम इंटू एन मैट्रिक्स अगर आपके पास है, उनका ऑर्डर है, तो a माइनस बी का मतलब ये होता है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट b से, b का a से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। और इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस माइनस बी। यानी आप क्या करिए, सबसे पहले नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए b का, और उसको जोड़ दीजिए, a प्लस बी कर दीजिए, यही तो करना है इसमें। अगर आपके पास a और b ये है, 2a माइनस बी निकालना है, तो 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए से करेंगे, यानी कि हर एक मेंबर इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, और आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बी को इससे, तो आप क्या करेंगे, इसका सबका साइन चेंज कर देंगे, 0 का तो साइन कोई मतलब नहीं है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, यही काम करेंगे। तो 2a माइनस बी का मतलब ये होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आ जाएगा, माइनस करना है तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप केवल सिंपल एडिशन से जोड़ दें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो क्या क्या होगी? सबसे पहली चीज ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है, एडिशन के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन की बाद में बात करेंगे, अभी आप देखिए कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या होगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ए है एक मैट्रिक्स, बी है एक मैट्रिक्स, ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे, बात सेम है, कम्यूटेटिव है। कम्यूट मतलब होता है मूवमेंट, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, तो ये इधर चलेगा, ये उधर चलेगा, तो ए प्लस बी, ए आई जे प्लस बी आई जे, इसका मतलब क्या होता है, ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि आप ये एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहे हैं। अगर आप इसको इधर रख लें, इसको इधर लिख लें, क्योंकि जो एडिशन ऑफ अ नंबर, सिंपल एडिशन क्या होता है, 2+3 को आप 3+2 भी तो लिख सकते हैं, तो सिंपल एडिशन जो है उसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, और इसको फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी बी प्लस। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपको ये कहता है कि अगर पास एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ऐसे सी मैट्रिक्स है, तो और दो तीनों का जो ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा जब भी एडिशन वगैरह होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए। तो अगर पहले ए प्लस बी करें बाद में सी से जोड़ें, और या फिर आप बी प्लस सी को ऐड करें फिर ए से जोड़ें, बात बिल्कुल सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का मतलब पहले इन दोनों को जोड़ें फिर इसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने का मतलब यह है कि आप इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का सम ही तो इससे जोड़ रहे हैं, और क्योंकि एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, ये इधर इधर कर सकते हैं आप, इसको इधर कर दीजिए, पहले इनको कर दीजिए, तो ये, और फिर इसको दोनों को अलग भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल एडिशन है, तो ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या मैट्रिक्स के लिए होती है? यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये एम बाय एन मैट्रिक्स है, और आप कह रहे हैं कि एक ओ या जीरो, एक एन एम बाय एन जीरो मैट्रिक्स है, कैपिटल ओ, बड़ा कैपिटल ओ से जीरो मैट्रिक्स हम
रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी कब है, जब ए को जीरो से जोड़े या जीरो को ए से जोड़े या ए को ओ से जोड़े या ओ को ए से जोड़े और आपको उत्तर मिलता है ए, तो हम ये कहेंगे कि ए में कोई फर्क नहीं पड़ा एडिशन पे, इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिशन के लिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ए में कुछ ऐसा जोड़ दें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी ए में कुछ ऐसा जोड़ दें, क्या जोड़ सकते हैं, माइनस ए जोड़ दें तो आपका ओ आ जाएगा, यही तो ए आई जो, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है तो हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जो माइनस ए है, इसका माइनस है, माइनस ए आई जी से रिप्रेजेंट करें ताकि अगर हम इन दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, ओ। ये माइनस ए को कहते हैं एडिटिव इनवर्स ए या फिर नेगेटिव ऑफ ए। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो यदि आपके पास एक ए है और बी है, ये दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है, जैसे जो हम कहें एम इंटू एन है, और के और एल स्केलर्स हैं, तो के इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए के ए प्लस के बी, इसी तरीके से अगर के प्लस एल करें और ए बाहर है तो के को के ए प्लस एल ए, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो के ए प्लस के ए बी का मतलब ये होता है कि ए आई जे बी आई जे दो मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप ए आई जे इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, के को अंदर ले लीजिए क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अब इसके अंदर आ गए तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग कर दीजिए। अब इसका मतलब ये हो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में अलग कर दीजिए, इसको आप जानते हैं क्या होता है कि इसका अलग अलग का मतलब ये है क्योंकि एडिशन है, इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं, और फिर जब ये अलग अलग लिख देंगे तो के को बाहर ले सकते हैं, के को बाहर ले सकते हैं, के ए और के बी होंगे। के प्लस एल ए करेंगे तो उसमें भी यही करना है, के प्लस एल ए आई जी लिखेंगे इसकी जगह, ए आई जी अंदर चला गया, के प्लस एल ए आई जी, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि के आई जे ए आई जे और एल ए आई जे, यानी कि आप कर क्या रहे हैं कि इसको अलग अलग करना है आपको, ये इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू है के आई ए आई जे प्लस एल ए आई जे, और आप इसको अलग कर लीजिए के और एल को, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल ए, इसका मतलब हुआ कैपिटल ए। यदि ए और बी आपके पास मैट्रिक्स है, आपको ऐसी मैट्रिक्स एक्स निकालना है ताकि टू इंटू ए प्लस थ्री इंटू एक्स आपका फाइव बी आए। कैसे निकालेंगे इसमें, टू ए प्लस थ्री एक्स फाइव बी, आप ध्यान रखिए कि टू ए प्लस थ्री एक्स और दोनों जगह आप माइनस टू ए कर दीजिए, ये क्यों किया मैं अभी बताता हूं आपको, हमको थोड़ा सा इसको इजीली सॉल्व करना है, तो दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस टू ए, टू ए माइनस टू ए क्या हो गया, ये तो आपको जीरो आ गया एक तरीके से, ये 3x बचा, आपको निकालना क्या है x, इसलिए हमने बाएं हाथ पे केवल x रखेंगे, दाएं हाथ पे और b ले जाते हैं, तो ये हम यहाँ पर माइनस टू ए कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा रहेगा, अगर हमें x निकालना है तो बस ये निकाल के 1 बाय थ्री कर देंगे, यानी 5 इंटू बी माइनस टू ए, ये हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 इंटू बी यहाँ रखेंगे माइनस टू इंटू दिस, यानी हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एलिमेंट को आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबका साइन चेंज कर दीजिए और यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए और फिर हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेंगे और 1 बाई थ्री है ही आपके पास, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको x और y निकालना है, यदि x प्लस वाई आपका ये है, x माइनस वाई ये, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का अगर इन दोनों को जोड़ दें तो y y कैंसिल हो जाएंगे, 2x आएगा। इसी तरीके से आप x प्लस वाई और y माइनस वाई, इसको हमने मैंने यहां डायरेक्ट बता दिया, प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखें, प्रॉपर्टी के हिसाब से करना है तो x को x के साथ ले जाइए, y को y के साथ ले जाइए, y माइनस वाई क्या होता है, ये तो आपका O होता है, ये तो नल मैट्रिक्स है, या नल, या ये 2x हो जाएगा 2x, अब जो 2x है इन दोनों को जोड़ दीजिए इस मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, आपका ये आएगा डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका, अब दोनों को माइनस कर लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसका मतलब क्या होता है माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, अगर इसको खोलेंगे तो अब इस बार ये कैंसिल होंगे, ये 2y आएगा, तो 2y किसके बराबर आ गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इसको प्लस करके दोनों जोड़, मतलब इसके साइन चेंज करके इसके साथ जोड़ दीजिए और फिर 2y बराबर इसके हो गया, यानी कि आपको ये एलिमेंट जो आया उसके साथ डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो वाई आ गया, एक्स और वाई इस तरीके से आ गया आपका। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में, तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके साथ इसको जोड़ दीजिए और हर एक एलिमेंट को
इक्वेट कर दीजिए। हमने किया क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया ये वाले के साथ, और उसके बाद इसको बराबर कर दिया 7, 15, 6, 14 से। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो एक एक करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वाई, इस तरीके से एक्स 2 आएगा, वाई 9 आएगा। 2 फार्मर्स है, रामकिशन और गुरचरण सिंह, ये कल्टीवेट कर रहे हैं। उनके पास 3 वैरायटी है, एक आपका बासमती, एक आपका परमल और एक नौरा। जो सेल है इनकी रुपयों में, इन अलग अलग वैरायटी की, इन दोनों फार्मर की, जो सितंबर अक्टूबर की है, वो कुछ इस तरीके से दी हुई है मैट्रिसेस में, ए और बी में। तो सितंबर की सेल है आपकी कैसी, ए है इसमें बासमती, परमल, नौरा। रामकिशन साहब की ये है और गुरचरण साहब की ये है, कितना आया ये है। इसी तरीके से जो दूसरा है वो ये है, आपको कंबाइंड सेल निकालनी है सितंबर अक्टूबर की हर एक फार्मर की। तो आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ए और बी के, वो जोड़ देंगे। फिर निकालना है फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि आप दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। इसके बाद इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। यदि दोनों फार्मर 2% उनको प्रॉफिट मिलता है जितना उन्होंने ग्रॉस सेल किया, आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है हर एक फार्मर का, हर एक वैरायटी जो उन्होंने सेल की। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंबाइंड सेल में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी, यानी दोनों आपके राम किशन साहब और गुरुचरण जी की वैल्यूज को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जोड़ देंगे। चेंज निकालना है तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए माइनस बी करना है आपको, या आप सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। और अगर 2% का ये निकालना है तो 2% ऑफ बी, यानी 2/100 ऑफ बी, यानी आपको 0.02 मल्टीप्लाई करना है बी से, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होना है 0.02 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अक्टूबर रामकिशन में, रामकिशन साहब को 100 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 120 मिले, रामकिशन साहब को इतने मिले और गुरचरण साहब को इतने मिले, किस किस के लिए, अपनी अपनी वैरायटी के लिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो परफॉर्मेंस वगैरह चेक करने के भी काम में आता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं मीरा और नदीम से, ये 2 दोस्त हैं। मीरा ये चाहती हैं कि 2 पेन और 5 स्टोरी बुक लें वो, जबकि नदीम ये चाहते हैं, या नदीम को 8 पेन और 10 स्टोरी बुक चाहिए। वो दोनों दुकान पे जाते हैं और रेट के बारे में पता करते हैं, तो पेन मिलता है 5 रुपये का और स्टोरी बुक है 50 रुपये की। तो हर एक को, यानी कि मीरा और नदीम को, कितना स्पेंड करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा। मीरा को कितना करना पड़ेगा, 2 × 5, ये इनका पूरा पेन का कॉस्ट हो गया, और 5 × 50, ये इनका पूरा किसका कॉस्ट हो गया, स्टोरी बुक का। तो कुल मिला के 260 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर यही नदीम की बात करें तो 8 × 5 इनका पेन का कॉस्ट हो जाएगा, 10 × 50 इनके बुक की कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि 540 रुपये। तो क्यों ना इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको 2 पेन और 5 बुक चाहिए, दूसरे साहब को 8 पेन और 10 बुक चाहिए, और जो प्राइजेस हैं पर पीस वो 5 और 50 है। तो कैसे होगा ये वाला अमाउंट जो हम टोटल निकाल रहे हैं वो कैसे आएगा, ये किस तरीके से हुआ। ये एक 2, ये वाला 2 × 5 किया, यानी कि ये रो लिया हमने पहले, और ये कॉलम मान लीजिए, तो पहले रो के एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 5 × 2, और फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट जो रो का है उसको दूसरे एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को जोड़ दिया, 5 × 2 किया, प्लस किया 5 × 50। ये जब मीरा की बात हो गई तब हम नदीम पे आए। नदीम के लिए भी हमने ये किया कि जब हमारा ये रो खत्म हो गई तो हमने इस रो को लिया, अब 8 का गुणा किया 5 से, 8 का 5 से मल्टीप्लीकेशन किया, और फिर उसको जोड़ दिया 10 को 50 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, तो दोनों का अमाउंट आ गया। ओके, अब किसी ने कहा साहब ऐसा करते हैं कि किसी दूसरी दुकान पे चलते हैं,
तो वहां पर जो कॉस्ट इनको मिले वो थोड़े से कम मिले। पेन का कॉस्ट 4 रुपये मिला और 40 रुपये इनको मिला बुक का कॉस्ट। अगर हम इसी चीज को, यही अमाउंट हम निकालना चाहते हैं टोटल, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और जोड़ों को जोड़ देंगे। इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और जोड़ देंगे। जो मैंने अभी बताया आपको, यही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि अगर ये रिक्वायरमेंट आती है 40 की, तो सेम काम होगा 2 का गुणा 4 से प्लस 5 का गुणा 40 से, उसके बाद ये रो कंप्लीट हो गई, अब सेकंड रो पे आ जाइए, 8 का गुणा 4 से दोबारा और फिर 10 का गुणा 40 से और दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन कैसे कंबाइंड हो गई। अब आप कहते हैं कि देखिए मुझे दोनों का एक साथ दिखाइए, एक कंपैरेटिव स्टडी दीजिए कि शॉप वन ये है, शॉप टू ये है, अगर इनकी रिक्वायरमेंट ये है और इनकी रिक्वायरमेंट ये है तो इन शॉप के हिसाब से क्या कॉस्ट आएगा। तो यही काम करेंगे हम, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से जो ऑपरेशन करना है करेंगे, जैसे 2 × 5 प्लस 5 × 50 और ये यहां पर आ जाएगा। अब क्योंकि दूसरी दुकान में गए तो जरा आगे भी बढ़ जाए, यहां से सरक के हम यहां पर आए, यानी कि S2 पर आए। S2 पर जैसे ही हम आएंगे, हम 2 × 4 करेंगे, साथ में 5 को 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ देंगे। ये पहले शॉप का मीरा के लिए आ गया, ये पहला शॉप मीरा के आ गया, यानी कि मीरा के लिए ये दोनों आ गए। अब ये दूसरे शॉप के लिए, सॉरी। इसी तरीके से नदीम साहब पहले शॉप के लिए ये आएगा, नदीम साहब दूसरे शॉप के लिए आएगा। यानी कि दोनों चीजें हमने जो अलग अलग तौर पर देखी वो आप सामने अपने समक्ष यहां देख पा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल था। इसको इस तरीके से समझिए कि प्रोडक्ट जो है दो मैट्रिसेस का, इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी या ए बाय बी। इसको हम बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम, सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे पहले कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात शुरू भी कर पाए, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है यानी कि इसका जो रो और कॉलम है और इसके जो रो और कॉलम है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन की बात शुरू हो पाएगी। जब बात शुरू होगी तब मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है m × n, बी मैट्रिक्स है, ये ए आई जे है, मान लीजिए ये जे के, ए जे बी जे के है, तो यहां पर आई जे बी, ये जे के, यानी कि ये m × n है, ये n × p है, इसका जो रो, इसके जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर है, तब हम आगे बढ़ेंगे। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये n काट दीजिए आप, m × n मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा m × p मैट्रिक्स आएगा, ये आपका फाइनल मैट्रिक्स आएगा। तो अगर आपको कोई i और या i और kth एलिमेंट निकालना है cik मैट्रिक्स c से, तो हम क्या करेंगे, रो लेंगे a का और कॉलम उठाएंगे b का, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, फिर उन सबका सम कर देंगे, जोड़ देंगे। या कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये आई जे है, ये जे के है, एम यहाँ है, एन यहाँ है, सॉरी एन यहाँ है, एन यहाँ है, दोनों बराबर है, तो जब उसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो उत्तर आएगा m × p। जो भी मैट्रिक्स आने वाला है वो आएगा m × p, इस तरीके से सी मैट्रिक्स आएगा। और हर एक जो ये पहला जो मैट्रिक्स है उसके रो के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और फिर उनको जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, यहां पर हम यहां पर आएंगे तो इधर पे पहला रो पहला कॉलम, फिर हम नीचे उतरेंगे तो यहां पर आगे बढ़ेंगे, यहां यू बढ़ रहे हैं, यहां यू बढ़ रहे हैं, यानी पहले रो फिर पहला कॉलम, फिर दूसरा रो फिर तीसरा, दूसरा कॉलम फिर तीसरा रो, फिर इस तरीके से करेंगे। तो यदि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है 2/3, ये मैट्रिक्स है 3/2, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये रो उठाएंगे जैसे ये उठाया,
और ये कॉलम उठाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम 1 × 2 करेंगे, -1 × -1 करेंगे और 2 × 5 करेंगे और इनको सबको जोड़ेंगे, जो यहां पर तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा है वो बराबर होने चाहिए ना, वरना एक आध छूट जाएगा या फिर कम रह जाएगा, इसीलिए दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये वाला काम हो गया। अब जरा नीचे सरक आए, इससे रो बदलेगी, पहले वाले की रो बदलती है, दूसरे वाले का कॉलम बदलता है। तो कैसे करेंगे आप? 0, 3, 4, मतलब अब देखिए कि अभी हम नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि पहला रो तब कंप्लीट होगा जब यहां के सारे कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला कॉलम हुआ, अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे कॉलम को लेंगे। जब तक कॉलम खत्म नहीं होंगे, पहले रो से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लीकेशन, इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज और उनको जोड़ देंगे। यानी कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ये सम है किसका? प्रोडक्ट्स का। 1 को 7 से करिए, -1 को 1 से करिए, 2 को -4 से करिए, जोड़ दीजिए। अब ये कॉलम हमारे खत्म हो गए, तब हम एक रो नीचे उतरेंगे। यानी कि अब हम एक रो नीचे उतर गए। रो नीचे उतरते ही हमने ये देखा कि यहां शुरुआत फिर से कॉलम से करनी है, फिर से सारे कॉलम खत्म करेंगे इस रो के लिए। तो 0 को 2 से करिए, 3 को -1 से करिए मल्टीप्लाई, 4 को 5 से कर दीजिए, 3 को जोड़ दीजिए। इसी तरीके से, क्योंकि अभी एक कॉलम हुआ है, दूसरा कॉलम बाकी है, तो इसी रो पे रहेंगे और फिर इस कॉलम को लेके एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ए भी निकालना है आपको, ये है। अब करना क्या है, वैसे करके बताता हूं। पहले इस रो को इस कॉलम से एक एक एलिमेंट को, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से, 9 को 7 से, ये आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि अभी रो, अभी कॉलम्स बाकी है, तो इस रो पे ही टिके रहेंगे हम और इस कॉलम पे जाएंगे। तो 6 × 6 + 9 × 9, ये यहां पर आ गया। अभी फिर हम टिके रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कॉलम और बाकी है। तो 6 × 0 + 9 × 8, ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब क्योंकि कॉलम खत्म हो गए, तो अब हम रो को बढ़ाएंगे। अब 2 और 3 पे आएंगे और वही काम करेंगे जो हमने 6 और 9 के साथ किया। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से करेंगे, उससे यहां लिख देंगे। फिर कॉलम से आगे बढ़ेंगे, 2 × 6 + 3 × 9, यहां आ गया। फिर 2 × 0 + 3 × 8, यहां आ गया। यानी कि ये मैट्रिक्स था आपका 2 by 2, ये मैट्रिक्स था आपका 2 by 3। ये 2 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आएगा 2 by 3। देखिए, 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो रिजल्ट इस तरीके से आता है। अगर ये ध्यान रखें कि 2 मैट्रिक्स ए बी, अगर ए बी डिफाइंड है, तो कतई जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि ए इंटू बी है तो बी इंटू ए भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रोज और कॉलम पर डिपेंड करता है। पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा, तभी डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन नॉन कम्यूटेटिव है। ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे अमूमन। ये नहीं कह रहा हूं कि ये कभी बराबर नहीं होंगे, ऐसे भी केस मैं दिखाऊंगा जिसमें ए बी बी ए बराबर होंगे, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये बात तय है। आप ए मैट्रिक्स लीजिए और बी मैट्रिक्स लीजिए, आप ए बी निकालिए, यानी ए बी आप निकाल सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। पहले इस रो को लीजिए, इस कॉलम को लीजिए, यहां लिखिए। इस रो को लीजिए, इस कॉलम को लिखिए, यहां लिखिए। इस रो को लीजिए, अब रो बदल दीजिए। इस रो को लीजिए, इस कॉलम को लीजिए, यहां लिख दीजिए। इस रो को लीजिए, इस कॉलम को लीजिए, यहां बदल दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिख दीजिए। अब अगले पे आते हैं, बी ए करते हैं, क्योंकि यहां डिफाइंड है। देखिए, ध्यान रखिए, ये कितना है, 2 by 3 मैट्रिक्स, ये है 3 by 2 मैट्रिक्स। यानी 3 और 3 बराबर है, यानी कि ए बी तो डिफाइंड है। अगर मैं इसको बी ए कर दूं, यानी कि इसको इधर ले आऊं 3 × 2, तो यहां इसके कॉलम ये हो गया, रो यहां हो गया, ये भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब बी ए भी डिफाइंड है, बी ए कर सकते हैं हम। तो ये रो लीजिए, ये कॉलम लीजिए, यहां लिख दीजिए। ये रो, ये कॉलम यहां लिख दीजिए। ये रो, ये कॉलम यहां लिख दीजिए। इस तरीके से ये रो, ये कॉलम यहां, ये रो, ये कॉलम यहां, ये रो, ये कॉलम यहां, मतलब एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है बस। ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, यहां यहां यहां, ये आएगा।
आप देख पा रहे हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे कभी भी, हो सकता है, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज इसकी जो है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। यदि आपके पास ए और बी इस तरीके से मैट्रिक्स है, ए बी निकालिए, बी ए निकालिए, अगर आप ए और बी भी निकालेंगे, इसको बहुत आसान मैट्रिक्स है, ए और बी, ए इंटू बी, बी इंटू देखेंगे तो आप देखें ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉन कम्यूटेटिव है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ए और बी इंटू बी ए बराबर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स उठाएं आप, ए और बी दोनों ही डिफाइंड है और दोनों ही हम कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि ये कम्यूटेटिव है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो आ जाए, जहां ए जीरो ना हो, बी जीरो ना हो। जैसे मैंने कहा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक्स माइनस वन जीरो है और एक्स माइनस टू जीरो है, इनमें से कोई ना कोई जीरो होगा। तो हम इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करके एक्स इक्वल टू वन आएगा और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, मैट्रिक्स में ये है कि ए में कुछ वैल्यू है, बी में कुछ वैल्यू है, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर, मतलब ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे, यहाँ लिखिए ये एलिमेंट को इससे, ये एलिमेंट को इससे, यहाँ लिखिए जीरो इंटू थ्री प्लस टू इंटू जीरो, यहाँ जीरो आ गया, फाइव इंटू जीरो प्लस टू इंटू जीरो, ये जीरो आ गया, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स का रिजल्ट जीरो आ गया, यानी कि दो ए और बी बगैर जीरो हुए भी आपको जीरो रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि जीरो मैट्रिक्स दे सकते हैं। तो ये कहीं भी नेसेसरी नहीं है कि मैट्रिक्स जीरो हो तभी रिजल्ट जीरो आएगा। मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, एक तो एसोसिएटिव लॉ है, अगर आप ए बी को पहले ए और बी और सी तीन मैट्रिसेस लें, ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी से करें, या बी सी को करें फिर ए से करें, बात बिल्कुल सेम रहेगी। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कि अगर बी और सी जुड़ा जोड़ रहे हैं आप ए के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी और सी को कर रहे हैं तो ए को सी से कर लीजिए, बी को सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जब हम किसी भी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, या इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा मैट्रिक्स लौट आएगा वापस सेम टू सेम, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जरा इन प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको करना क्या है, पहले बी सी निकालना है, फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में आपको ए बी निकालना है, फिर सी से मल्टीप्लाई करना है, और केवल ये वेरीफाई करना है दोनों बराबर है कि नहीं है। आप देखें अभी तक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सीख चुके हैं, आप ए बी करिए फिर सी से करिए, ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर बी सी कीजिए, ये रिजल्ट आएगा, और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट आएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये और ये रिजल्ट दोनों ही सेम है। यदि ए बी और सी ऐसा है तो आपको करना क्या है कि ए प्लस बी इंटू सी दिखाना है, ए सी प्लस बी सी, तो सबसे पहले ए प्लस बी करिए, फिर सी से इसको मल्टीप्लीकेशन करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, ए इंटू सी करिए, बी इंटू सी करिए, दोनों को जोड़िए, देखिए बराबर आता है करिए, ये आपके सामने रिजल्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, सेम चीज़ की गई है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और आप देखेंगे कि दोनों जो है वो आपके बराबर आ रहे हैं, ये बराबर है। इसी तरीके से ए क्यू माइनस ट्वेंटी थ्री ए माइनस फोर्टी आई, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि हमारी डायगनल सारी वन हो बाकी सब जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब में क्या लिखेंगे, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या करेंगे ए डॉट ए निकालेंगे, ए इंटू ए, फिर इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको रख देंगे ए क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री ए माइनस फोर्टी आई में, यानी कि ये आपका ए क्यूब अभी अभी हमने निकाला ट्वेंटी थ्री इंटू ए माइनस फोर्टी इंटू आई, आई मतलब सारे वन डायगनल बाकी सब जीरो, अगर इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रही है, जीरो मैट्रिक्स आ रही है, जो कि हमें प्रूव करना था। एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ, पॉलिटिकल ग्रुप ने हायर किया पब्लिक रिलेशन फर्म को ताकि वो कैंडिडेट को तीन तरीके से प्रमोट कर सके, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर्स। जो कॉस्ट आया पर कॉन्टैक्ट पैसे में वो इस तरीके से है, टेलीफोन के लिए 40 पैसा,
पर कॉन्टैक्ट हाउस कॉल के लिए 100 और लेटर के लिए 50। और दो सिटीज हैं आपकी, एक सिटीज एक सिटी एक्स है, एक सिटी वाई है, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं सिटी में, ये 1,000, 500 और 500 इस इन तीनों के लिए। इसी तरीके से वाई के लिए टेलीफोन के लिए इतने हैं, हाउस कॉल के लिए इतने हैं, लेटर के लिए इतने हैं। आपको टोटल अमाउंट बताना है, यानी कि आपको क्या करना है, बी इंटू ए करना है। ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, 3 रो है, 1 कॉलम है। इसमें कितना है, आपके 2 रो है, 3 कॉलम है। तो आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोचते हैं ए और बी कर, ए इंटू बी करना है, तो आप देखिए ए इंटू बी करने का मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो है ही नहीं। लेकिन हम 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1 को करें, तो यहां पर क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो बी इंटू ए करना पड़ेगा हमको। सिंपली इन दोनों को उठाना है, बी इंटू ए कर देना है, ये आपका रिजल्ट आएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। इसके अलावा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, सबसे पहले देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, तब आपको यहां डेफिनेशन पे ले जाता हूं। जैसे मैट्रिक्स है ए, इसमें ये रो है 3-5, यहां पर यही रो यहां कॉलम है। इसी तरीके से √3-1 यहां रो है और यहां कॉलम है, ये 0-1/5 यहां रो है, यहां कॉलम है। अगर आप रो को कॉलम में बदल दें तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्डर भी है वो भी इस तरीके से चेंज हो जाता है, 3/2 का 2/3 हो जा रहा है। यानी अगर एक ए मैट्रिक्स है, एम बाय एन है, तो जो मैट्रिक्स है अगर आप इस तरीके से पाएं कि रो को कॉलम में बदल दें, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज जो उस मैट्रिक्स का होता है उसको हम 1' या a^T, ये टी इसका सुपरस्क्रिप्ट होता है। दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं ए आपका ए आई जे है, एम इन टू एन है, और ए डैश आपका जे आई है। ध्यान रखिए आई जे है, वही टर्म यहां पर जे आई पे रहेगा, और एन इन टू एम इसका, एन इन टू एम इसका ऑर्डर होगा, एम इन टू एन का एन इन टू एम ऑर्डर हो जाएगा। ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है, इसमें पहली चीज है कि अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका ट्रांसपोज करें, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। यदि आप ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ए का और उसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो स्केलर के साथ ए का ट्रांसपोज करें तो बात सेम रहेगी। ऐसी आप दो समेशन है यानी ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसका अलग से कर लीजिए, इसका अलग से कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो भी बात सही है। हाँ, ध्यान रखिएगा जब ए डॉट बी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बी पहले आता है, फिर ए बाद में आता है, और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होता है, या कॉम्प्लीमेंट कहें तो ट्रांसपोज होता है। यदि आपके पास ए है और बी है, इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए, जैसे ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ए होता है, हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ये जो रो है इसको यहाँ कॉलम बनाएंगे, इस रो को यहाँ कॉलम बनाएंगे, फिर इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, इस रो को फिर कॉलम बना देंगे, इस रो को फिर कॉलम बना देंगे, इस रो को फिर कॉलम बना देंगे, यानी कि आपके पास ओरिजिनल चीज आ गई। दूसरा तीसरा भी देखेंगे, ए ये है, बी ये है, ए प्लस बी करते हैं, यानी कि आप एलिमेंट वाइज ऐड कर दीजिए, 3+2, √3-1, इस तरीके से। फिर इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, यानी कि इस रो को कॉलम में बदल दीजिए और इस रो को कॉलम में बदल दीजिए। अब इसका कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट ए का और बी का, अब इन दोनों का अलग से जोड़िए, ये और ये रिजल्ट सेम रहेगा। के इंटू बी यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब आप के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक वैल्यू से। अगर के बी का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए आप इसी इसका, तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए, अब इससे के बाहर ले लीजिए, तो के इंटू बी डैश हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब, ये दोनों बराबर हो गया। यदि ए और बी इस तरीके से है, तो आप देखेंगे कि ए डॉट बी करेंगे या ए का मल्टीप्लीकेशन बी से करेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे या ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं मैं बार बार, इसको ट्रांसपोज समझिएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी ट्रांसपोज और
ए ट्रांसपोज, इसका अलग अलग अगर करेंगे तब बराबर आएगा। तो ए और बी लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा। फिर बी को अलग से लेते हैं, पहले ट्रांसपोज करते हैं, फिर ए को अलग से ट्रांसपोज करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा। आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आएगी। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है, खास तौर पे जो लोग आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात शुरू हो गई है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा यदि उसका ट्रांसपोज और वो बराबर है, यानी ए आई जे और ए जे आई बराबर है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो आई और जे की। तो आप देखिए अगर ये ए है, इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ये रो को ये कॉलम बनाइए जरा, यही बन जाएगी। इस रो को ये कॉलम बनाइए, ये रो और कॉलम सेम है। इस रो को ये कॉलम बनाइए, ये भी सेम है। तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, यदि अगर उसका ट्रांसपोज करें तो वो ए आए लेकिन साथ में आपका एक नेगेटिव साइन भी आए, यानी सारे ए जे आई जो होंगे वो माइनस ए आई जे के बराबर होंगे, जितनी पॉसिबल वैल्यूज है आई और जे के। यदि आई और जे को हम इक्वल पुट करेंगे तो ए आई आई माइनस ए आई आई के बराबर होगा, यानी कि टू ए आई आई क्या होगा, टू ए आई आई मतलब जीरो। इसका मतलब जितने भी डायगनल एलिमेंट होंगे, डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से, वो जीरो होंगे, यानी कि जितने भी डायगनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं। जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली, डायगनल यहाँ पर जीरो है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि अगर इसका हम अगर बी डैश करें तो आपका माइनस बी के बराबर आएगा, यानी कि बी का अगर ट्रांसपोज करें तो माइनस बी के बराबर आएगा। देख लीजिए जीरो ई एफ को करेंगे तो जीरो माइनस ई एफ, अगर आप इसको यहाँ बनाएंगे तो माइनस, इसको यहाँ बनाएंगे तो माइनस। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ रिजल्ट देखते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसमें रियल नंबर की एंट्रीज हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपका सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कैसे, आप देखें अगर हम एक बी लें ए प्लस ए डैश या ए प्लस ए ट्रांसपोज, कैसे होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का ट्रांसपोज करके देखिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम इनकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको अलग से कर सकते हैं, इसको अलग से कर सकते हैं, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। लेकिन किसी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्या होता है, वही वैल्यू आ जाती है, वही आ जाएगी आपका ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको इधर लग सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस ए आपका ट्रांसपोज आ गया, यही बी हो गया। इसका मतलब ए प्लस ए जो ट्रांसपोज है वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब जरा सी लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे अलग अलग हो जाता है क्योंकि माइनस है, इसको हम ए प्लस माइनस ए का भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, एडिशन जैसे देखा था। तो इसका अलग से करिए, इसका अलग से करिए, इसका क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वैल्यू आ जाती है, तो ए आ जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए ये, तो माइनस साइन लगा दीजिए, ये क्या आ गया सी, तो माइनस सी के बराबर आ गया। इसका मतलब सी ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि अगर हम इसको ए माने हमारे मैट्रिक्स को, और हम इससे हम इसको कह रहे हैं कि इसको इसका सम कैसे दिखाएंगे, ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे आप बताएंगे इसको, हम थ्योरम से जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है और ए माइनस ए जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ए के लिए, अगर हम के ए डैश करते हैं तो के बाहर ले सकते हैं, ए डैश होता है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये भी सिमेट्रिक होंगे क्योंकि हमने केवल के ले लिया, ये के जो है ना इसके लिए, स्केलर के लिए, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के द्वारा। हमको ये इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैसे करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बी जरा ट्रांसपोज लीजिए और बी और बी प्लस करिए और हाफ लगा दीजिए सामने,
ऐसे हम जो p ट्रांसपोज करेंगे वो p के बराबर है, आप करके देख लीजिए, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब एक ये देख लीजिए कि ये सिमेट्रिक हो गया, p सिमेट्रिक हो गया क्योंकि हमने करके देख लिया कि p हमने एक वैल्यू यहाँ ली और मानी और इसको p माना और p को देखा हमने कि p को ट्रांसपोज किया तो p आ गया, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। अब q लेते हैं और देखते हैं q का कॉम्प्लीमेंट क्या माइनस q के बराबर आता है, तो इसको लिखते हैं हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये q आएगा, q का जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे ये माइनस q के बराबर आएगा, इसका मतलब q q सिमेट्रिक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए p और q को, ये किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर, यानी कि b से शुरुआत की थी b ही आ गया, है ना। अगर आपको मैं बताऊं जैसे आप ये लिखते हैं ना a माइनस, ये मैं इधर दिखाता हूँ आपको, जैसे आपने ये लिया हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ को जरा बाहर ले लीजिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हो गया या बी प्लस बी टू बी हो गया, हाफ बाहर है तो ये बी के बराबर ही तो है, इसका मतलब ये बी के बराबर ही है। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो सकते हैं मैट्रिक्स में, तो छह टाइप के आपके अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं और ये खास तौर पे जो रो और कॉलम के को लेके होंगे उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। इंटरचेंज करना है आपको दो रो को या दो कॉलम को, तो अगर इंटरचेंज करते हैं आई और जे रोज को, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आर आई, इस तरीके इंटरचेंज, यानी आर वन को आर टू से करना है तो ऐसे करेंगे, क्यों लिखेंगे सी आई सी आई जे, क्यों लिखेंगे कि अगर हम कॉलम को रिप्लेस करना चाहते हैं या कॉलम को रिप्लेस क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने आर वन को आर टू से इंटरचेंज करना है तो हम ये हमारे पास आर वन है ये आर टू है, तो आर वन इस जगह आ जाएगा आर टू इस जगह जाएगा, देखिए ये उठ के यहाँ चला गया ये उठ के यहाँ चला आया, इसको कहते हैं इंटरचेंज। मल्टीप्लीकेशन किसी भी मतलब जो रो और कॉलम का है किसी नॉन जीरो नंबर से, तो वो कैसे होगा, उसको हम लिखते हैं हम R1 में जैसे चेंज करना चाहते हैं 2 इंटू आर वन, ये पॉसिबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा कि हम C3 इस वाले में हमारे पास C3 चेंज करना चाहते हैं और कॉलम 3 में हम ऐसे चेंज करना चाहते हैं कि कॉलम 3 में 1/7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देखिए ये कॉलम 3 है आपके पास, इसमें हम 1/7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 1/7 से हो गया, ये 1/7 से हो गया। ऐसी आप एडिशन करना चाहते हैं या एडिशन कर सकते हैं कोई दो रो का या दो कॉलम का, उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं, और इसे इसको कैसे करेंगे इस तरीके से दिखाएंगे हम, और साथ में हम एक स्केलर वैल्यू भी ले सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं आर वन में चेंज करना आर वन प्लस से थ्री आर टू, ये कर सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं आज कॉलम के लिए भी इस तरीके से होगा सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के इंटू सी जे, जैसे ही आपके पास है इसमें आप आर टू में चेंज करना चाहते हैं आर टू माइनस टू आर वन, तो किसी भी और रो को लीजिए या कॉलम को लीजिए उससे स्केलर मल्टीप्लाई करिए, उसको इससे सबट्रैक्ट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हम R2 में चेंज करना चाहते हैं, पहले हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 4, नीचे वाला क्या है 2 माइनस 1, अब हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं 2 माइनस 2 0 हो गया और माइनस 1 ऑफ माइनस 4 इज माइनस 5, ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है यानी m बाय m मैट्रिक्स है और वहां पर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है B जिसका सेम ऑर्डर है, तो अगर A इंटू बी और बी इंटू ए आपको आई दे रहा है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बी ए का इनवर्स है, बी को हम कैसे शो करेंगे ए इनवर्स है, तो ए अगर ये है बी ये है ए और बी को जरा मल्टीप्लाई करिए, अगर ये आई आता है आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें बाकी सब जीरो होता है जो डायगनल होगा वो वन होगा, अगर हम ए बी लेते हैं और आई आता है तो बी आपका ए का इनवर्स होगा, यानी बी ए अगर करेंगे तो आपका आई आ रहा है, ए बी करें बी ए करें इसका मतलब बी आपका इनवर्स है ए का, और कैसे लिखेंगे बी इक्वल टू ए इनवर्स, इसी तरीके से ए इनवर्स है बी का ए को लिखेंगे बी इनवर्स,
एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, यानी कि अगर स्क्वायर नहीं है, एम बाय एम नहीं है, मान लीजिए एम बाय एन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि उसके लिए बी इंटू ए और ए इंटू बी डिफाइंड ही नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, इन्वर्स के लिए मैट्रिसेस जो होंगी वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर बी स्क्वायर है ए का तो अपने आप ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए अगर बी इन्वर्स है तो बी ए इन्वर्स, ऐसे आप करेंगे। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, जो इन्वर्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि एग्जिस्ट करता है, पहली चीज तो एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। जैसे अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एम का, तो हो सकता है कि बी और सी दोनों ही इन्वर्स हो। हमको ये बताना है कि बी और सी अगर अलग अलग है तो वो दोनों एक होने चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं यूनिक है, तो बी और सी अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही होने चाहिए। तो कैसे बनेगा ये? जैसे ये ए बी है, ए बी और बी ए, क्योंकि बी इन्वर्स है तो ए बी और बी आई होगा, सी बी इन्वर्स है तो ए सी सी ए बी आई होगा, तो बी इक्वल टू बी आई हम लिख सकते हैं, आई की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। जरा इन दोनों को साथ ले लीजिए, बी ए और सी, बी ए क्या है, ये भी आई है, आई इंटू सी, और आई इंटू सी क्या होता है, सी, यानी कि बी और सी बराबर होंगे। यदि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, तो ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होगा। कैसे, इसको देखिएगा, डेफिनेशन की जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इसका मतलब होता है ए ए इन्वर्स क्या होता है, आई के बराबर। हम यहाँ ए की जगह ए बी ले रहे हैं, ए बी और ए बी का इन्वर्स होता है आई के बराबर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ले लीजिए पहले, ये वाला, और ए इन्वर्स और आई का आइडेंटिटी का किसी से भी मल्टीप्लीकेशन आए हमेशा वही वैल्यू होती है, तो ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स ऑफ ए क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। अब आई मतलब किसी का भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाता है। अब बी और इसमें दोनों साइड में आप बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बी ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया, मतलब दायां हाथ तो आ गया हमारा, इसको हमें बायां हाथ बनाना है। इन दोनों को साथ ले लीजिए, बी किसी का भी इन्वर्स और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। अब ए बी इन्वर्स यही तो था लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर हो गया, ऐसे प्रूव करना है इसको। इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो अगर आपके पास x इक्वल टू ए बी है जिसमें x a और b आपके मैट्रिसेस हैं, तो हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे इस इक्वेशन में, तो एक साथ हम यहां भी लगाएंगे और उसके बाद यहां लगाएंगे। अभी आपको बताता हूं, क्योंकि अगर हमको सीक्वेंस में लगाना है ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अगर इस मैट्रिक्स में, तो हम साइमल्टेनियसली एक्स में भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे, मतलब दोनों साइड हमको साइमल्टेनियसली लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, यदि ए आपका मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स है इसका, तो अगर हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री रो ऑप्शन से, तो ए इक्वल टू आई ए हम इस पे सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन लगाएंगे ए इक्वल टू आई ए पे, ताकि हमको किसी ना किसी तरीके से आई इक्वल टू बी ए मिल जाए। तो बी क्या मिल जाएगा, अगर हमको हमारे साथ बी इंटू ए आ रहा है तो बी बी ए इनवर्स ही तो होगा, तभी तो आई आ रहा है, ए इनवर्स ए तो बी होता है। यदि आपको ए इनवर्स इसी तरीके से अगर ए इनवर्स अगर कॉलम ऑपरेशन से निकालना है, तो आप ए इक्वल टू ए आई लिखिए, यहां पर ए इक्वल टू आई ए लिखा था, यहां ए इक्वल टू ए आई लिखिए और फिर कॉलम ऑपरेशन लगाइए इन दोनों पे, तब तक जबकि आई इक्वल टू ए बी नहीं मिल जाता। ए बी इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो ए इनवर्स है। जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इन पे, ये वाले पे या ये वाले पे, यदि आपको सारे जीरोस मिल गए किसी एक रो में, एक से ज्यादा रो में, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो मैंने अभी बोला उसको जरा प्रॉब्लम में समझें, ताकि हम प्रैक्टिकली जाने कि हमने बोला क्या अभी। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें इसका इन्वर्स निकालना है। कैसे निकलेगा, ये ए है, ये
जैसे मैंने आपको बताया कि a इक्वल टू आप आई ए करिए, a हमने यहां लिखा और i इंटू ए किया, यहां पर a रहने दीजिए, अभी यहां पर i किया, i मतलब होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहां 1-1 आएगा या 0-0 आएगा, यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से हम कोशिश करना चाहते हैं कि इसको इसको हम आई कर दे, ताकि हम आई इक्वल टू ए बी का कुछ टर्म निकाल पाए या बी ए का कुछ टर्म निकाल पाए, तो हम कहेंगे ये तो इसका इन्वर्स है या ये इसका इन्वर्स है। तो हमारा मेन ये रहेगा कि हम किसी तरीके से, अच्छा जब हम अप्लाई करेंगे तो दोनों जगह अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, रो टू में चेंज करते हैं, रो टू माइनस टू इंटू रो वन, यानी इसमें चेंज किया, ये मैं इधर करके दिखाता हूं, ये टू है ये माइनस वन है, और इसमें चेंज किया रो टू में, रो टू माइनस टू इंटू आर वन, इसमें क्या होगा टू इंटू आर वन, टू इंटू वन हो जाएगा, और इसमें क्या चेंज होगा माइनस वन में, रो टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन है तो माइनस टू इंटू आर वन, इंटू आर वन क्या होगा टू, तो टू माइनस टू ये आपका क्या आएगा जीरो, ये आप देख पा रहे हैं, और वन माइनस ऑफ माइनस वन ऑफ माइनस टू इंटू टू दैट इज माइनस फाइव, ये टू टू फोर, माइनस फोर और माइनस वन फाइव, यही काम हम यहां करेंगे, सेम चीज इस रो टू में चेंज करेंगे, रो टू माइनस टू इंटू आर वन, सेम चीज यही करेंगे, सेम काम यहां किया है। अब आर टू में चेंज करेंगे, हमारा मेन काम क्या है कि हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है, हमने ऐसे ही नहीं ले लिया, कोई भी चीज ऐसी नहीं आ रही, हमारा ध्यान है, हम ये ध्यान से देख रहे हैं कि हमें यहां पर मिल गया है कुछ ये टू, और अगर इस टू को किसी तरीके से ये जीरो किया जाए तभी तो हमारा काम बनेगा। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम रो टू में चेंज कर रहे हैं माइनस वन बाय फाइव इंटू आर टू, हम रो टू में चेंज कर रहे हैं माइनस वन बाय फाइव आर टू, तो माइनस वन बाय फाइव आर टू, अब देखिए हम इसमें चेंज करें जीरो इंटू माइनस वन बाय फाइव आर टू, ये तो वही हो गया, आर टू क्या है जीरो ही हो, जीरो ही आ जाएगा। वन में देखिए वन इंटू माइनस वन बाय फाइव, ये टू इस रो टू में चेंज कर, वन वन इंटू माइनस वन बाय फाइव आर टू, तो ये कितना आया माइनस वन बाय फाइव, इस जगह तो माइनस वन बाय फाइव आया और इस जगह क्या बना, क्योंकि अभी अभी हमने R2 को इस जगह पे माइनस वन बाय फाइव आर टू किया है, तो ये तो आप समझ गए कैसे ये माइनस वन बाय फाइव, माइनस वन बाय फाइव आया, लेकिन ये कैसे आया था, ये तो यही अप्लाई किया ना, माइनस फाइव है ना यहाँ पर, माइनस फाइव को माइनस वन बाय फाइव कर दिया आपने इंटू वन इंटू माइनस फाइव, ये माइनस वन में माइनस फाइव माइनस वन बाय फाइव इंटू आर टू तो किया फाइव, फाइव का कैंसिल माइनस वन आ गया है ना, और माइनस आगे लगा दिया तो प्लस हो गया, तो इस जगह पे वन आ गया, तो यहां पर वन आया, यहां पर माइनस वन बाय फाइव, मतलब जो भी इन दोनों में आ गया, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें दिख रहा है कि ये टू है, इसको किसी तरीके से हटाना है, तो अगर इसको इस रो में चेंज करेंगे ट्वाइस, इसका ट्वाइस माइनस कर दे तो ये जीरो हो जाएगा, तो हम ध्यान यहां दे रहे हैं, कर यहां भी रहे, हमने क्या किया आर वन में चेंज किया, इस आर वन में चेंज किया, और आर वन में क्या चेंज किया ट्वाइस आर टू का लेके यहां माइनस कर दिया, तो ये जीरो हो गया, ये भी यहां करेंगे, और आप देखें कि आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये बी इंटू ए इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब ये जो बी है ये हमेशा ये ए इनवर्स तो होना चाहिए, अभी तो ये आई आया, समझ गया, ये आपका ए इनवर्स हुआ। एक और तरीका कर सकते थे आप, अब आप कॉलम वाइज करेंगे इसको, अभी आपने रो अप्लाई किया था, अब आप कॉलम कॉलम अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, यहां पर आप सबसे पहले हमको बस लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, हमें तो इसको किसी न किसी तरीके से इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो हम कॉलम टू में चेंज कर रहे हैं, और कॉलम टू में चेंज करेंगे जैसे टू या माइनस वन, कॉलम टू में चेंज कर रहे हैं, और कॉलम वन का से माइनस टू मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इससे पहले टू से मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक, माइनस टू इंटू वन, माइनस टू इंटू टू, तो क्या आया टू माइनस टू तो जीरो हो गया,
और ये कितना हो गया माइनस वन माइनस ऑफ 22 4, तो माइनस फाइव आ गया। यही काम आप यहां पर भी करेंगे इस जगह पर। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पर a इक्वल टू ए आई लिया था, तो आइडेंटिटी यहां आया, a है, a अभी ऐसे रखा हुआ है, ये a इक्वल टू ए आई लिया, तब हम कॉलम अप्लाई करेंगे। देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको कि जब हमने रो किया तो a इक्वल टू आई ए लिया, जब हमने हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो हम a इक्वल टू ए आई लेंगे, तो a इक्वल टू ए आई, दोनों बात ही सेम ही है, कॉलम हम लगा रहे हैं, ये लगा दिया हमने। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां मसला ये है कि माइनस फाइव को हटाना है, तो माइनस फाइव को वन कैसे बनाएंगे, इसको अगर माइनस वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दे तो वन बन जाएगा, तो हम सी टू में चेंज करेंगे माइनस वन बाय फाइव सी टू, तो ये वन बन गया, यहां पर भी अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहां पर आइए इस जगह पे, तब इस टू को वन बनाना है बस, है ना, इस टू को वन बनाना, बाकी सब तो सेम रहेगा। इस टू को बनाने के लिए आप कॉलम वन से माइनस सी टू सी टू कर दीजिए, ये वन बन जाएगा, यहां पर यही ऑपरेशन होगा। तो ये क्या होगा, अगर आप देखिए ये आई है, ये ए है, ये बी है, और जब ए इंटू बी आई आ रहा है तो बी जरूर क्या होगा, ए इनवर्स ही तो होना चाहिए, ये इनवर्स आ गया, दोनों ही तरीके आपको ध्यान रखना है, ए इक्वल टू आई ए कब लेंगे और ए इक्वल टू ए आई कब लेंगे। अब थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का देखते हैं, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको ए इक्वल टू आई ए, ए ये हो गया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये ए हो गया। अब हमारा ध्यान रहेगा कि हमको इस मैट्रिक्स को ये बना देना है, यानी कि हमें इस ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो भी आएगा ये जरूर इन्वर्स होगा। तो ये जो बनेगा, ये करते करते जो ये बन जाएगा वो आपका क्या बनेगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो अब देखिए एक एक करके करते हैं, सबसे पहले पहले तो आप एक काम करिए, रो वन और रो टू को चेंज कर दीजिए, रो वन को इधर ले आइए, रो टू को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये यहाँ बन जाएगा, इसमें भी यही काम करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, रो थ्री में चेंज करेंगे, रो थ्री माइनस थ्राइस ऑफ दिस रो वन, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इसमें भी यही काम करेंगे, ये वाली मिल जाएगी, हमने यहाँ अप्लाई किया है, इसको इसमें अप्लाई किया है और ये मिला है। अब क्या करेंगे कि कुछ कुछ वैल्यू मिलने लगी है, अब इस रो वन में चेंज करिए, क्योंकि देखिए यहां वन आ गया, यहां वन आ गया, यहां माइनस वन है, इस जगह किसी तरीके से माइनस वन लाना है और ये बाकी जीरो करने हैं। तो रो वन में पहले ये हटा देते हैं जरा, ये वाला रो वन में आप ये ट्वाइस, मतलब रो वन में ट्वाइस आर टू करके माइनस कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब रो थ्री में चेंज करिए और रो थ्री में पांच गुना आर टू करके ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद अब यहां तक आ गए, अब जरा ये वाले को हाफ से आर थ्री कर दीजिए, इस आर थ्री को, रो थ्री को वन बाय टू आर थ्री कर दीजिए, तो इससे क्या बनेगा हमारा, ये वन बाय टू आर थ्री करके आए, अब यहां पर आ गया ये वाला करने को, ये देखिए वन बाय टू किया तब ये आया, है ना, यहां पर आ गया। अब आइए इस वाले में हमको किसी तरीके से, अगर हम इन इन आर वन और आर थ्री को जोड़ दें तो माइनस वन और माइनस वन जीरो हो जाएंगे, प्लस वन, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये वन है ही, तो यहाँ पर ये जीरो आ गया। अब बचा ये केवल टू, इसको जीरो करना है, बाकी सब तो आ गए और वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली दाएं हाथ पे भी हो जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रो टू में चेंज करते हैं, रो टू में इसका ट्वाइस करके माइनस कर दीजिए, तो ये ट्वाइस करके माइनस कर दिया, हमारा वन 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 आ गया, यानी कि ये आई बन गया, बाकी जो भी यहां चेंज होता रहा वो तो करते रहे हम लोग। जैसे ये आई आया हमने कहा कि ये जो पूरा है ना बी इंटू ए, ये बी आपका ए इनवर्स हो गया, इस तरीके से निकालना है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ए इक्वल टू ए आई लिखिए, अब इसमें हम केवल कॉलम लगाएंगे, तो अब क्या करें, यहां पर सबसे पहले इन कॉलम्स को चेंज कर दीजिए, कॉलम वन और कॉलम टू को, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर इस पे क्या करिए, कॉलम थ्री में चेंज करेंगे, ट्वाइस कॉलम वन का, ट्वाइस कॉलम वन निकाल के इससे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब कॉलम थ्री को कॉलम टू से जोड़ दीजिए, इसको चेंज करिए, कॉलम थ्री को कॉलम टू से जोड़ दीजिए, तो ये आएगा। फिर इसके बाद यहां पर इस कॉलम थ्री में
क्योंकि अब ये दो है इसको बस हटाना है, तो आधा कर दीजिए बस, तो कॉलम थ्री में चेंज करेंगे आधा कर देंगे, ये आ गया। अब 111 आ गया, जरा इनको इनको हटाया जाए, तो कॉलम वन में चेंज करना है ट्वाइस ऑफ कॉलम टू माइनस कर दीजिए इसमें, तो 111 आ गया, ये बच गया माइनस 531। तो माइनस 531 के लिए पहले तो 5 प्लस 53 कर दीजिए सी वन में, ये 5 5 हट जाएगा, अब बचा रहेगा 3, तो थ्राइस करके कॉलम टू से सी टू में चेंज करना है, थ्राइस कॉलम थ्री करके इसे माइनस कर दीजिए, तो ये 111 आ गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये ए है, तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका ए इनवर्स होना चाहिए, ऐसे निकालते हैं ए इनवर्स। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस से आएगा, इतना मतलब आसान नहीं है ये जैसा बोलने में लग रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको बाएं हाथ को हर बार देखना है कि कब वन आ रहा है कब जीरो आ रहा है, तो एक तरीके से ये पजल की तरह है। आपको पी इनवर्स निकालना है यदि एग्जिस्ट करता है, और पी है आपका 10 माइनस 2 माइनस 5 1। अब देखें हम इसके लिए लिखेंगे पी इक्वल टू आई पी, यहां लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले रो वन में चेंज करते हैं, 1/10 रो वन कर देते हैं इसको, अगर 1/2 रो वन करें तो ये आ जाएगा, 1/10 कर दिया। अब इसमें चेंज करेंगे, रो टू में चेंज करेंगे, रो टू से 5 × r1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब दिक्कत ये हो गई कि यहां पर दोनों जीरो आ गए, और अगर किसी भी रो में या कॉलम में जीरोज आ जाए, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं पे हम खत्म कर देंगे, बोलेंगे कि देखिए साहब दो रो आ गए, अब इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। मिसलिनियस एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके मैट्रिसेस के, तो यदि ए इस तरीके का है और आपको प्रूव करना है ए टू द पावर एन, इसके अंदर एन आना चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको, ए आपके पास ये है और ये आपको ए टू द पावर एन बताना है, तो ये पी एन मान लीजिए, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, पी एन आपका ये हो गया और ए टू द पावर एन आपका ये हो गया। चलिए चेक करते हैं 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, एन इसके एन की जगह जरा 1 रखिए, तो ए की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 1 है तो सब कॉस थीटा साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसी के बराबर आ गया 1 के लिए, तो ट्रू हो गया। अब मान लीजिए कि एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू है, यानी ए की पावर के ये हो जाएगी, अगर ये के लिए ट्रू है और हम के प्लस 1 के लिए ट्रू कर दें इसको, तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू एक के प्लस 1 रखेंगे, यानी कि k की जगह k प्लस 1, इस जगह भी k की जगह k प्लस 1, ठीक। तो अब a k प्लस 1, a टू द पावर k प्लस 1 क्या होता है, a की पावर k इंटू a, तो a की पावर a इंटू k, यानी a इंटू a की पावर k, तो ये a तो लिख देंगे, यहां पर k वाला एलिमेंट लिख देंगे, जरा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये आ गया। अब इनके फॉर्मूला हमें पता ही है, ये क्या होते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा, यानी के प्लस 1 थीटा, ये भी साइन के प्लस 1 थीटा, ये माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, ये कॉस के प्लस 1 थीटा, यानी कि अगर के लिए ट्रू है, हर एक किसी भी के लिए ट्रू है, तो के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये होल्ड करता है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं एक ऑर्डर के, सेम ऑर्डर है, तो हमको शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक है, जब तभी ये होगा यदि a और b कम्यूट करेंगे, यानी कि a इंटू बी, बी इंटू ए होगा। तो क्योंकि a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट, मतलब a ट्रांसपोज a के बराबर होगा, b ट्रांसपोज b के बराबर होता है, ये डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस की। तो यदि a b सिमेट्रिक है, आप कह रहे हैं a b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a b का भी ट्रांसपोज a b के बराबर होगा। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि a b का ट्रांसपोज होता है b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, और क्योंकि b का ट्रांसपोज b है और a का ट्रांसपोज a है, इसको बी ए लिख सकते हैं, यानी बी ए बी के बराबर हो गया। कॉन्वर्स भी देखते हैं इसका, यदि ए बी बी के बी ए के बराबर है, तो ए बी को हम सिमेट्रिक शो कर देते हैं। ए बी का जरा ट्रांसपोज निकालिए, ये क्या होता है बी डैश ए डैश, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज क्योंकि बी दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज ए होता है, इसकी जगह बी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ए और बी को इधर कर दीजिए, और ये कम्यूट हो रहे हैं, तभी तो हम कम्यूट कर पा रहे हैं, ए को यहाँ कर पा रहे हैं, बी को यहाँ कर पा रहे हैं, इसका मतलब ए बी डैश ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी सिमेट्रिक है। यदि ए ये है, बी ए है, सी है, तो आपको एक मैट्रिक्स डी निकालना है, ताकि सी डी माइनस ए बी आपका नल मैट्रिक्स के बराबर हो। तो एक काम करते हैं, एक डी मैट्रिक्स लेते हैं और यहां रखते हैं, इसको ए बी सी डी बोल देते हैं, और इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया।
जरा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये बराबर रख दीजिए 0000 से, फिर इनको ऑपरेशन करके एक एक को 0000 के बराबर कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, ए 1-191 आएगा, सी आपका 77 आएगा, बी और डी आएगा, यानी कि डी मैट्रिक्स इस तरीके से आएगा। समरी देख रहे हैं आपके मैट्रिसेस की। एक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंपल एक टेबुलर फॉर्म होता है रो और कॉलम में। तो ये ऑर्डर्ड रेगुलर रेक्टेंगुलर एरे है नंबर का, या फंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें। तो मैट्रिक्स में कितने रोज होते हैं, एम रोज और एन कॉलम्स। तो अगर एम रोज और एन कॉलम्स है तो इसे हम कहेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अगर यहां पर केवल एक ही कॉलम हो तो हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। अगर केवल एक ही रो हो, बाकी सारे कॉलम्स हो, तो ये रो मैट्रिक्स होंगे। एम बाय एन में अगर एम और एन बराबर हो गए किसी मैट्रिक्स में, एम और एन बराबर है, रोज और कॉलम्स बराबर हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि एक मैट्रिक्स ए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जब इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो हो, बाकी सब एलिमेंट हो, राइट। यदि एक मैट्रिक्स ए है और कोई इसको हम कह रहे हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, यदि इसमें ए आई जे जीरो होगा, जब आई जे बराबर नहीं है तब ए आई जे जीरो होगा, और अगर आई और जे बराबर है, यानी कि अगर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह सोचिए इसको, और इसमें केवल जो डायगोनल एलिमेंट है वो कोई स्केलर वैल्यू है, 2, 3, √3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, बाकी सब जीरो होंगे, क्योंकि डायगोनल में कोई एक स्केलर वैल्यू होगी। अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है जिसका एन बाय एन इसका ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि ए आई जे वन है, और अगर आई और जे वन है, यानी कि सारे के सारे ये वन है बाकी सारे जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, इसको हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ए और बी बराबर है, तो सबसे पहली चीज तो ए और बी को सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका बराबर होगा, आई जे आई जे, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है आई और जे की। यदि के इंटू ए है एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो सब के का सारे एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होगा। माइनस ए का मतलब होता है -1 इंटू ए, ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस -1 इंटू बी। ए बी और बी ए कम्यूट करते हैं अगर ऐड किया जाए, और ये एसोसिएट करते हैं अगर ऐड किया जाए, एडिशन एसोसिएटिव है। इसी तरीके से एक स्केलर का करेंगे तो ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर के प्लस एल ए है तो के को अंदर करेंगे, फिर एल को अंदर करेंगे। अगर ए और बी आपके पास मैट्रिक्स है, और आपके पास ए बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब आप मल्टीप्लीकेशन लेना चाहते हैं, तो देखिए इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके रो के बराबर होंगे, और ये जो फाइनल आएगा वो इस ऑर्डर का होगा, एम इंटू पी। और इसमें करते क्या है, सिग्मा ऑफ यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, पहले रो को, फर्स्ट रो को पहली मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम, दूसरे पहले मैट्रिक्स के रोज से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को सीरियली एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं और उसकी जगह रख देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ए बी सी या ए बी सी दोनों बराबर हैं, अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, के ए का ट्रांसपोज होगा, के बाहर ले लीजिए, ए ट्रांसपोज है। ए और बी का अगर प्लस करके ट्रांसपोज करें तो अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर सकते हैं। ए और बी के मल्टीप्लीकेशन का अगर ट्रांसपोज है, तो बी पहले ट्रांसपोज होगा, फिर ए ट्रांसपोज होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक है यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन की तरह दिखा सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, आप रो चेंज कर सकते हैं, कॉलम चेंज कर सकते हैं, केवल एक, अगर दो करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, उसमें के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो को भी चेंज कर सकते हैं, उस रो को किसी भी दूसरी रो से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसी कॉलम में। ए और बी यदि दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी कि ए बी और बी ए आई के बराबर है, तो बी क्या हो गया, बी आपका इन्वर्स होगा आई का, और उसे लिखा जाता है ए इन्वर्स की तरह। तो इस केस में ए इन्वर्स है बी का, बी इन्वर्स है आई का।
अगर इनवर्स एक्सिस करता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का या एम इंटू एम या एन इंटू एन मैट्रिक्स का, इसका मतलब वो यूनिक होना चाहिए। ये बात हुई आपके मैट्रिसेस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखिए।